हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल मून की तरफ से आज फिर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मशीन लैपटॉप लेके आए हैं लिनोवो का, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो आज का हमारा लैपटॉप है उस पर आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, मगर उसमें हम स्पेशली जो ऑफिस यूज़र बंदे हैं उनके लिए ये मशीन हमने चूज़ की है। ये लिनोवो की मशीन है, इसमें आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और वेब डेवलपमेंट का काम जो है, वेब ब्राउजिंग का काम जो है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। बड़ी अच्छी स्पीड आपको मिलेगी, बड़ी अच्छी स्मूथनेस मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल टेक्निकल मून सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक्निकल मून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी हम नई वीडियोज़ बनाएँ वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो टेक्नोलॉजी का इलम जो है हम पूरी सच्चाई के साथ आपको देंगे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको दिखाते हैं आज की जो मशीन है, आज का जो लैपटॉप है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, तो दिखाते हैं आपको आज का अपना। तो ये हमारे पास आज लैपटॉप है लिनोवो का। साइज़ में अगर आप देखें तो 14.6 इंच की इसकी स्क्रीन है। तो सबसे पहले आपको हम इसकी एक्सटर्नल चीज़ें दिखाते हैं कि इसमें जो बाहर वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या लगा हुआ है, यूएसबी कितनी लगी हुई है, एचडीएमआई पोर्ट, क्या क्या इसके बरूने जो हैं वो फंक्शन हैं। तो चले दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि इसकी जो बरूनी चीज़ें हैं वो क्या क्या है और किस तरह ये काम करेगा। तो दिखाते हैं आपको, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि सबसे पहले अगर आपको हम इसकी लेफ़्ट साइड दिखाएँ, तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट लगी हुई है, जो कि लिनोवो का स्टैंडर्ड चार्जर होता है ब्रिक पिन वाला, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ में हमारे पास वीजीए पोर्ट भी इन्होंने इसमें दी हुई है। वीजीए पोर्ट के ज़रिए आप इसमें कोई भी बड़ी एलसीडी लगा सकते हैं, छोटा मोनीटर लगा सकते हैं। अगर आप सीपीयू की जगह पे इस लैपटॉप को यूज़ करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे लैन केबल की ऑप्शन मौजूद है। अगर यहाँ पे आप लैन इंटरनेट की तार लगाना चाहते हैं, वाईफाई आपके पास नहीं है, तो आप इसको इंटरनेट की तार लगा के नेट चला सकते हैं। साथ में हमारे पास एक आ जाती है HD हाई डेफिनेशन पोर्ट जो है, जैसे VGA पोर्ट होती है वैसे ये HD हाई डेफिनेशन डिस्प्ले पोर्ट होती है, HDMI। तो इसमें आप बड़ी LED कोई भी आप घर में जो बड़ा TV है प्लाज्मा 50 इंच का या 40 इंच का, तो आप इसके साथ वो बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको देखा जाए यहाँ पे USB पोर्ट है ब्लू कलर की, तो ये 3.0 USB पोर्ट है ब्लू कलर की। और साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको हेडफोन की ऑप्शन मिलेगी और माइक है, ये साथ में इसका बूट फंक्शन की है। यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये बूट मेन्यू में चला जाएगा। और साथ में हमारे पास एक SD कार्ड की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप SD कार्ड अपना मेमोरी कार्ड जो है स्टैंडर्ड SD कार्ड वो यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी साइड पर अगर आपको दिखाएँ तो ये बड़ी ही स्लिम मशीन है। अगर आप देखें इसको तो ये बिल्कुल ही स्लिम है। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड CD रूम आ जाएगा, स्टैंडर्ड जो अल्ट्रा स्लिम CD रूम होता है, इसमें अल्ट्रा स्लिम CD रूम सुपर ड्राइव जो है वो बिल्टन लगा हुआ है। साथ में साइडों पे दो USB पोर्ट है 2.0। तो ये थी दोस्तों इसकी एक्सटर्नल चीज़ें। और अगर आपको साइज़ की बात बताएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, इसको आप साइडें इसकी स्लिम देख सकते हैं, इस साइड पे आप देख सकते हैं, ये बैक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही स्लिम मशीन है। तो अगर आपको इसको मैं ओपन करके दिखाऊं, तो ओपन करके अगर आपको दिखाता हूँ तो इसकी आपको स्क्रीन का भी साइज़ का आइडिया हो जाएगा। 14.6 इंच इसकी स्क्रीन है और नम पैड कीबोर्ड के साथ है। तो जी, तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसकी जो फर्स्ट लुक है वो किस तरह की है, स्क्रीन साइज़ क्या है और कीबोर्ड का साइज़ क्या है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखें जी, फर्स्ट जो लुक है वो ये है मेरे पास लैपटॉप की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की इसकी बॉडी है, ये केसिंग जो है, और स्क्रीन जो है इसकी 14.6 इंच है, आई सीरीज़ का इसके ऊपर जो है स्टिकर लगा हुआ है, और कीबोर्ड जो है वो बड़ी ही प्रीमियम क्वालिटी का है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसमें कैमरे की ऑप्शन। तो कैमरा इसके अंदर जो है वो एक छोटा मीडियम क्वालिटी का उन्होंने कैमरा दिया हुआ है,
और साथ में अगर आपको देखा जाए तो ये पैनल जो है ये सारा प्लास्टिक पैनल लगा हुआ है, ये ऊपर वाला जितना भी पैनल है लिनोवो की ये मशीन है। लिनोवो का आप लोगो भी देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सा लोगो बनाती है लिनोवो मशीन। और जो LCD का साइज़ है वो 14.6 इंच साइज़ है। और अगर आप कीबोर्ड को देखें तो कीबोर्ड जो है वो नम पैड के साथ है। कीबोर्ड ये इसका जो है कीबोर्ड, ये नम पैड है और ये कीबोर्ड है, फ्लैट कीबोर्ड है। और साथ में यहाँ पे एक पावर बटन दिया गया है। स्पीकर जो है इसके वो नीचे हैं। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो टच पैड की ऑप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त टच पैड है इसका, बड़ा स्मूथ वर्क करता है। और यहाँ पे इसके जो इसका मॉडल की सीरीज़ है आइडिया पैड का इन्होंने एक यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। साथ में हमारे पास कोर i3 का इंटेल ओरिजिनल का लोगो स्टिकर जो है इन्होंने लगा दिया हुआ है। तो अभी इसकी आपको हम पूरी स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे और ये इसके बारे में बताएंगे और इसका मॉडल नंबर बताएंगे कि इसका मॉडल नंबर क्या है। तो इस पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और ये बैटरी बैकअप इसका जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो अभी बात जो है हम इसकी करेंगे, इसका मॉडल नंबर क्या है और इसकी प्राइस क्या है और इसकी स्पेसिफिकेशन। ये लिनोवो का आइडिया पैड 310 मॉडल है, लिनोवो आइडिया पैड 310। और हार्ड ड्राइव जो इसमें है वो 500 GB साटा हार्ड ड्राइव लगी हुई है, 8 GB रैम लगी हुई है। ग्राफिक कार्ड नहीं है क्योंकि ये बेसिक ऑफिस यूज़ के लिए है। इसकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी मशीन की स्पीड है। तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें मिल जाएगा। और प्राइस की बात रही तो प्राइस जो है वो मैं आपको नीचे, ये जिस हमें बंदे ने दिया है लैपटॉप उसका नंबर जो है वो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा और वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इसकी जो मज़ीद जो है प्राइस जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कितने में मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी मशीन है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 30 डेज़ आपके पास हैं, 30 डेज़ में आपने इसको परचेज़ करना है, उससे पहले भी ये सेल हो सकती है। तो जल्दी जल्दी नंबर मिलाएं और पूछें कि ये कितनी है प्राइस जो भी आपका इसका सिलसिला है। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको दे दी है, तो नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी जो आप बेसिक यूज़र हैं लैपटॉप के। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर, उस पर आप कॉल करके इसकी जो है प्राइस जो है वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जो बाकी इंशाल्लाह नई नई वीडियो आपके लिए लेते आएंगे, हम बनाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।